हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। होपफुली आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस अच्छी लगी होंगी, जिसमें हमने अपेरल डिज़ाइनिंग का कंप्लीट आपको रिवीजन सेशन कराया, माइंड मैपिंग एक कराई और साथ के साथ MCQs भी हम लेके आए अपेरल डिज़ाइनिंग के ऊपर भी, जो कि हमारे मॉक टेस्ट 5th था 100 MCQs का। आज हम लेके आए हैं MCQs ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारा यूनिट 7 है फॉर NTA UGC नेट JRF 2020 होम साइंस के लिए। इसके भी आज हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे 3kmsfashion@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग, जो हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो फास्टेस्ट किस पीरियड पे होता है, कौन से टाइम पे होता है? इन्फेंसी, लेट चाइल्डहुड, प्री नेटल पीरियड और प्यूबर्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड हमारा 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है, दैट इज 0 to 2 weeks, दैट इज जर्मिनल पीरियड, 3 to 8 weeks एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड 9 week टिल बर्थ, दैट इज आर फीटल पीरियड। इन क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि आपके काफ़ी सारे बेस कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैं आप लोगों को साथ के साथ इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी। तो आप नोटबुक पेंसिल लेके भी बैठ सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो बेसिक शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको बताऊँगी, वो आप बेटर है अगर आप लिख लीजिए। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचेबल मूवमेंट व्हेन द बॉडी इज राइप एंड सोसाइटी रिक्वायर्स इट एंड द सेल्फ इज रेडी टू अचीव अ सर्टेन टास्क इज नोन एज। ये एक ऐसा टीचेबल मूवमेंट होता है, टीचेबल मूवमेंट मतलब जो हमें ही समझाता है, जब हमारी बॉडी राइप होती है और सोसाइटी रिक्वायर करती है, सेल्फ इज रेडी टू अचीव मतलब हम खुद राइप का मतलब क्या आ गया कि हम कहीं ना कहीं किस फील पे है, अब कोई भी चीज़ मैच्योर होगी तभी वो राइप कहते हैं ना, फल पक चुका है। अब मैंगो, राइप मैंगो का मतलब क्या होता है? तो हमारा मैंगो राइप कब होता है? जब वो कंप्लीट बन चुका होता है, पक चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। तो आप हमेशा क्वेश्चन में से ही आपके ऑप्शंस के हिंट्स और लिंक्स मिल जाएंगे, अब जिससे आप आंसर को श्योर हो सकते हैं। तो ऑप्शंस है डेवलपमेंटल टास्क, इंटरेस्ट इन लर्निंग, मैच्योरेशन रेडीनेस एंड सबस्टेंट इंटरेस्ट। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइप हो गया मतलब मैच्योर हो गया, सो मैच्योरल रेडीनेस। मैच्योरल रेडीनेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक बीइंग फुली डेवलप्ड होता है, प्रॉपर कोई किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी सर्टेन एरिया में फंक्शंस करने के लिए, काम करने के लिए, दैट इज नोन एज मैच्योरेशनल रेडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। इन ये थ्योरीज दे रखी है, इन थ्योरीज में से हमारा कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये किस किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है? बिहेवियरलिज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये ऑल ऑफ द अबव। सो ये हमें पता है कि जितनी भी हमारी डेवलपमेंट थ्योरीज हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस इन प्रोसेस रहती हैं, चाहे हमारा बिहेवियर हो वो भी टाइम के साथ हमारा कॉन्टिन्यू रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती रहती है, सोशल लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, सोशियो कल्चरल, सारी की सारी थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्ले के बारे में पूछा है, इन यंग चाइल्ड प्ले इंडिपेंडेंटली बिसाइड अदर चिल्ड्रन रादर देन विद देम, कि एक ऐसा प्ले का नाम बताना है जिसके अंदर यंग चाइल्ड क्या करता है, इंडिपेंडेंटली प्ले करता है बिसाइड द अदर रादर देन विद देम, और बाकी लोग क्या करते हैं, वो उसके साथ ही खेलते हैं। सो एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, ऑन लुकर प्ले एंड पैडलर प्ले, इसके लिए आपको इन टाइप्स ऑफ प्लेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। हमारा सबसे पहले आता है एसोसिएटिव प्ले, क्या होता है ये, हमारी पहली स्टेज होती है जिसके अंदर एक चाइल्ड, एक बच्चा सोशल इंटरेक्ट करता है बाकी बच्चों के साथ। देन आता है हमारा कोऑपरेटिव प्ले, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन के साथ प्ले, जिसके अंदर बाकी कॉमन पर्पज़ होता है कि अगर वो कोई एक पर्टिकुलर प्ले कर रहे हैं तो काफी सारे लोग सेम प्लेयर्स को उसको काम कर रहे हैं। ऑन लुकर प्ले का मतलब क्या होता है कि बच्चा सिर्फ देख रहा है, खेल नहीं रहा लेकिन वो देखता है और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन वो कमेंट्स करता है। क्लियर। एंड लास्ट इज आर पैडलर प्ले, दैट इज आर आंसर ऑल्सो। सो पैडलर प्ले क्या होता है, जब चिल्ड्रन एक साथ एडजेसेंट उसके एडजेसेंट प्ले करते हैं ईच अदर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ मोरालिटी आर, मोरालिटी के कंपोनेंट्स बताने हैं, बिहेवियरल,
कॉग्निटिव, इमोशनल या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो कंपोनेंट्स, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। सो मोरल बिहेवियर के हमारे चार प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज मोरल सेंसिटिविटी, मोरल बिहेवियर, मोरल जजमेंट और रीजनिंग और मोरल मोटिवेशन। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज मोरालिटी, मोरल डेवलपमेंट के क्या क्या हमने बताए हैं, मोरल बिहेवियरलिज्म से बिहेवियर भी है और हमारा सेंसिटिविटी भी है, जजमेंट भी है, रीजन हो गया और मोरल मोटिवेशन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग दैट एन एंटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स फॉर्म इज नोन एज। इसका क्या मतलब है कि आपको क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और सेरिएशन, इनके मतलब पता होने चाहिए। और अब अंडरस्टैंड करना है, अगर हमने किसी भी एंटिटी को, वो सेम रहती है चेंज ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कि कोई भी चीज सेम रहे चेंज ना हो। सेम एज हम सबके यहाँ पर क्लासिफिक देखते हैं कि क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। इसका मतलब ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, ग्रुप होता है, कैटेगरी वाइज करना क्लासिफिकेशन होता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है, आंसर इज कंजर्वेशन, दैट इज हमारा अंडरस्टैंड करते हैं हम किसी भी चीज को, जिसकी क्वांटिटी जो होती है, जिसकी क्वांटिटी सेम रहती है चाहे उसकी अपियरेंस चेंज भी हो जाए। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्लास है कोई भी पानी का, अगर आप उसको जमा देते हैं तो वो रहेगा तो एक ग्लास ही है ना। नेक्स्ट आती है हमारी रिवर्सिबिलिटी, मतलब होता है जो रिटर्न हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। एंड सेरिएशन का मतलब होता है कि काफी सारे जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसका कलेक्शन। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब, आपका क्वेश्चन आता है, आपको मतलब पता होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल का, मतलब कि जो, जैसे अगर कोई कोई बच्चा 92 में पैदा हुआ है, 94 में हुआ है, 96 में हुआ है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 92, 94 एंड 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंटल टास्क फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन आर गिवन बाय। डेवलपमेंटल जो टास्क है डिफरेंट स्टेजेस का, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो 6 मेजर स्टेजेस होती हैं, आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था रॉबर्ट जे हैवीग्रस्ट ने। इन्होंने डेवलपमेंट टास्क ह्यूमन लाइफ स्पैन दिया था। सबसे पहली 6 स्टेजेस में पहली आती है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो बर्थ से 6 ईयर्स तक रहती है। मिडल चाइल्डहुड, जो 6 से 13 ईयर्स तक। एडोलोसेंस, 13 to 18 ईयर्स। अर्ली एडल्टहुड, 19 to 30। मिडल एज, 30 to 60। एंड लेट मैच्योरिटी इज फ्रॉम 60 to so on। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनवायरमेंटल एजेंट्स दैट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ माल फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंटल फीटस। डेवलपिंग फीटस के अंदर माल फॉर्मेशन हो जाती है, तो कौन सा हमारा एनवायरमेंटल एजेंट इंक्रीज होता है। मैटरनल हाई ब्लड प्रेशर, मदर का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, मैटरनल की ओवर ईटिंग होती है, प्री मैच्योरिटी होती है, या टेराटोजन्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर टेराटोजन्स। क्यों होते हैं, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 7% के कंजेंशियल माल फॉर्मेशन होता है। माल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, माल फॉर्मेशन इज आर जब कोई भी एबनॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्म करने लग जाता है, मतलब शरीर का कोई भी भाग एबनॉर्मली फॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। ये किसी भी केमिकल, इन्फेक्शियस एजेंट या फिजिकल कंडीशन या किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। 9th क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज प्रीनेटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। किसको हम बोलते हैं प्रीनेटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एमनियोटिक फ्लूड को, प्लेसेंटा को, एम्बिलिकल कॉर्ड को, या वर्निक्स को। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्लेसेंटा को, बिकॉज प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि जो बेबी है वो ग्रो करे, और जितना भी वेस्ट होता है ना उसके बॉडी से, वो क्या हो जाए, उसके ब्लड से बेबी के, वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, अ रिसेंट कंट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंसेप्शन। बिल्कुल रिसेंटली कोई एक कंट्रोवर्शियल मतलब जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत की गई हो, जिसको इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट भी नहीं माना गया हो, कौन सी ऐसी फॉर्म है कंसेप्शन की, डोनर इंसेमिनेशन मेथड, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इनवर्टियो फर्टिलाइजेशन, या फिर आपका सैरोगेसी। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सैरोगेसी। सैरोगेसी के अंदर क्या होता है कि किसी और के थ्रू बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है। मूवीज भी है, जैसे चुप चुप के मूवी थी सलमान खान, रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा की, जिसके अंदर सलमान खान और यू नो रानी मुखर्जी हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन प्रीति जिंटा उनकी सैरोगेसी उनके बच्चे को वो पैदा करती है। नेक्स्ट है 11th, दैट इज
इन्फेंट्स डैश इन्फेंट्स आर यूजुअली लाइट इन वेट गिवन द नंबर ऑफ वीक्स ऑफ जेस्टेशन दे हैव कंप्लीटेड. कि कौन सा ऐसा टाइम होता है, पोस्ट टर्म, प्री मैच्योर, प्री टर्म या स्मॉल फॉर डेट. आपने कुछ एक नाम सुने होंगे इसमें से. तो कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर इन्फेंट का जो वेट होता है वो कम होता है एज पर नंबर ऑफ वीक्स ऑफ जेस्टेशन के. सो स्मॉल फॉर डेट होता है इसका मतलब. स्मॉल फॉर डेट का मतलब क्या होता है कि जो बेबीज, कुछ एक बेबीज स्मॉल रह जाते हैं, मतलब जितना टाइम उसकी प्रेगनेंसी को होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग 10% तक उनका वेट कम होता है. और जेस्टेशन का भी आपको मतलब पता होना चाहिए. सो जेस्टेशन कौन सा टाइम होता है, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक के टाइम को जेस्टेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12th, रिफ्लेक्सेस हेल्प्स द इन्फेंट इन फाइंडिंग द निप्पल. कि बच्चा, अब आपने देखा है जो इन्फेंट होता है, जो स्मॉल बच्चा होता है, वो अगर आप उसकी गाल पे भी टच करते हैं तो वो क्या करता है, सक करने लग जाता है ना. सो रिफ्लेक्स, किस रिफ्लेक्स के कारण वो निप्पल को फाइंड करता है, बेबिंस्की, रूटिंग, सकिंग या फिर नन ऑफ दिस. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा रूटिंग, रूट के कारण. एक अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना मैप लगा लो आपको रूट प्रॉपर मिल जाएगा. तो रूटिंग उसकी रिफ्लेक्स होती है जिसके कारण वो निप्पल को फाइंड कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच कंपेटेबिलिटी अकर्स वेन ब्लड ऑफ आर एच की इनकम्पेटेबिलिटी, नॉट कंपेटेबिलिटी, आर एच की इनकम्पेटेबिलिटी, मतलब जो आपका आर एच है वो सही काम नहीं करता. कब कब नहीं करता, जब हमारा क्या होता है, मदर का जो आर एच होता है वो नेगेटिव होता है और फीटस का आर एच जो है वो पॉजिटिव होता है. आंसर इज सी. क्यों? क्योंकि जब मदर का अगर आर एच नेगेटिव रहेगा तो जो इम्यून सिस्टम है, मतलब मदर का जो इम्यून सिस्टम है, वो बच्चे का आर एच पॉजिटिव को एक फॉरेन सब्सटेंस समझता है, एक बाहर का आया हुआ सब्सटेंस समझता है, जिसकी वजह से जो मदर की बॉडी है वो कुछ एंटीबॉडीज बनाती है. किसके अगेंस्ट, फीटल के ब्लड सेल्स के अगेंस्ट बनाती है. और वो कई बार जो बच्चे की आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स है, उसको डिस्ट्रॉय भी कर देती है, मतलब बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है मदर अगर आर एच नेगेटिव हो और फीटस अगर आर एच पॉजिटिव हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिप्लेसमेंट सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट माइरिड डिजीज. सो क्या होता है, ये कौन सा टाइम होता है. आपने सुना होगा कैंसर हो गया या जो जितनी भी बड़ी बड़ी डिजीजेज हैं ये सारी की सारी, इसके अंदर कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ प्लेसमेंट रहता है. तो इसमें जर्म सेल, मॉर्यूला, पेरेंट सेल या स्टेम सेल. सो करेक्ट ऑप्शन है स्टेम सेल. क्या होता है, जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं. अब कुछ एक हमारे टिश्यूज किसी भी बीमारी की वजह से डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज या फिर लॉस्ट हो जाते हैं, तब हम उसको स्टेम सेल से रिप्लेस कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स, क्रिएटिविटी हमारी कैसी होती है, कन्वर्जन थिंकिंग, डाइवर्जन थिंकिंग, ओनली हार्ड वर्क या अल्टरनेटिंग बिटवीन कन्वर्जन एंड डाइवर्जन थिंकिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज अल्टरनेटिंग बिटवीन कन्वर्जन एंड डाइवर्जन थिंकिंग. इसके अंदर हमें कन्वर्जन डाइवर्जन का मतलब पता होना चाहिए. कन्वर्जन थिंकिंग कौन सी होती है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कंक्रीट सॉल्यूशन होता है, मतलब बिल्कुल ठोस सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, वो निकल के आता है. और वर्जन थिंकिंग क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हम यू नो एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट करते हैं. सो कन्वर्जन और डाइवर्जन क्या हो गया, जिसके अंदर काफी सारे आइडियाज को जनरेट, मतलब काफी सारे आइडियाज को जनरेट करने के बाद उसके अंदर से मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडिया को लेके और अपना काम करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज आर क्रिएटिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम टाइम फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लर्निंग टू टॉक इज फ्रॉम बर्थ टू डैश ऑफ एज. तो मेन प्राइम टाइम कौन सा होता है हमारा लैंग्वेज को डेवलप करने का और टॉक को डेवलप करने का, टॉक को लर्न करने का, कौन सा होता है, 10 ईयर्स, 16 ईयर्स, 3 ईयर्स या फिर नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 10 ईयर्स. बेसिकली ये हमारा 3 to 8 ईयर्स तक रहता है. सो उस टाइम पे आपका क्या होता है, बच्चा बात करने कंप्लीटली तरीके से सीख जाता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17th इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच. ये जितने भी ऑप्शंस है ना, इन ऑप्शंस का आपको मतलब हर एक में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनटीए क्या करता है, इन्हीं ऑप्शंस को आपको
क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हर किसी चीज का मतलब क्या होता है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो जर्नली हमें देखने को मिल जाता है एक. तो स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीच दैट डिस्टिंग्विश वन अटरेंस फ्रॉम अनदर, मतलब आप एक वर्ड कोई भी अटर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो दूसरे से अलग है, तो वो कौन सा है, क्या है? मॉर्फीम, फिनोइन, सिमेंटिक या सिंटैक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज फोनीम. फोनीम का मतलब क्या चीज होती है? ये एक यूनिट होती है हमारे साउंड की जो स्पेसिफाइड लैंग्वेज से होती है, जो किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से भिन्न करती है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग करती है. बाकी अगर मैं मॉर्फीम का मतलब बताती हूँ, तो वो होता है हमारे एक, ये तो देखिए यूनिट ऑफ स्पीच है, ये ध्यान रखिए. फिनोम आपका यूनिट ऑफ स्पीच है, ऑन द अदर हैंड मॉर्फीम आपकी यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, जो कभी भी आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती. सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? ब्रांच है ये हमारी लिंग्विस्टिक और लॉजिकल हमारी कंसर्न्स की. एंड सिंटेक्स क्या होता है? वर्ड और फेज को अरेंज करना एक सेंटेंस में हम सिंटेक्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ ब्रॉड कंसेप्ट दैट रेफर टू मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द एक्विशन प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ नॉलेज. तो इसमें भी हमें सबका पता होना चाहिए कि कौन सा होता है, कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन, मेटा रीजनिंग या सोशल कॉग्निशन. सो इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज कॉग्निशन. इनका भी हम मतलब पहले जानते हैं. मेटा कॉग्निशन का मतलब, कॉग्निशन का तो देखिए यही मतलब होता है कि एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है जिसके अंदर कोई भी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है उसकी प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन और उसके यूज ऑफ नॉलेज को. मेटा कॉग्निशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, किसी भी सोच के बारे में दोबारा सोचना. सपोज कोई एक काम हो रहा है, कोई एक थॉट चल रही है माइंड में, और हम तो उस थॉट के बारे में भी एक और थॉट जनरेट कर रहे हैं, दैट इज मेगा मेटा कॉग्निशन. और मेटा रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग अबाउट द नेचर ऑफ रीजनिंग. सो मेटा रीजनिंग मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रीजनिंग के बारे में ही हम एक और रीजनिंग उसका जनरेट कर रहे हैं. और सोशल कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ये एक सब टॉपिक है हमारा सोशियो साइकोलॉजी का, जो किस चीज पे फोकस करता है कि किस तरह से लोग प्रोसेस, स्टोर या अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से बात करते या किसी भी सोशली सिचुएशन के अंदर. 19th क्वेश्चन है, डैश इंक्लूड द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ पर्सन एक्वायर्ड नॉलेज, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट वन नॉलेज एंड द एबिलिटी टू रीजन यूजिंग प्रीवियसली लर्न एक्सपीरियंस और प्रोसीजर. बहुत ही सिंपल और बेसिक है, सिर्फ लेंथ को देख के आप ये कंफ्यूज मत होइएगा. इसके अंदर इन्होंने इंटेलिजेंसी की बात की है और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी है हमारे पास, ठीक है. ऑप्शंस है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी, फ्लूइड इंटेलिजेंसी, इंटरपर्सनल एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी. तो इनके मतलब भी हम जानेंगे सारों के. सबसे पहली बात आपकी, या हम मतलब से ही शुरू करते हैं. पहली बात हम क्या करते हैं कि आंसर इज आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी. तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी क्या होती है? हमारी लॉन्ग लास्टिंग इंटेलिजेंसी होती है ना, लॉन्ग लास्टिंग इंटेलिजेंसी होती है. और मतलब कॉमनली अगर हम बात करें तो वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होती रहती है. तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंसी क्या इंक्लूड करती है? ब्रेथ और डेप्थ ऑफ पर्सन एक्वायर्ड नॉलेज. जो भी नॉलेज मैंने ऑलरेडी एक्वायर की हुई है, जो भी नॉलेज मेरे पास है, उस नॉलेज को मैं क्या करूंगी, उस नॉलेज के साथ, उस नॉलेज की एबिलिटी के साथ मैं कम्युनिकेट करूंगी आप लोगों से. और यही मेरी एबिलिटी रीजन होगी कि मेरे जितना भी एक्सपीरियंस या मेरा प्रोसीजर रहा है, हर एक बार वो क्या होता रहेगा, एनहांस होता रहेगा, ठीक है. फ्लूइड इंटेलिजेंसी की अगर मैं बात करूं, फ्लूइड इंटेलिजेंसी, एक और चीज आपको ये बता दूं कि फ्लूइड इंटेलिजेंसी है और जो क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंसी है वो 1963 में हुई थी. किसने दी थी? साइको सोशलिस्ट रेमंड कैटेल ने दी थी हमें, ठीक है. ये कुछ एक बेसिक बातें इसलिए बताई क्योंकि आने वाले क्वेश्चन हमारे कुछ एक सिमिलर भी रहेंगे. देन फ्लूइड इंटेलिजेंसी क्या होता है? ये एक स्ट्रेटजी होती है, हमें किसी भी जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब हम फ्लूइड इंटेलिजेंसी को यूज करते हैं. और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी को कब करते हैं? ये हमारी ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी. एंड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी कौन सी होती है? ये हमारी बहुत ही सेंसिटिविटी होती है कि हम कोई चीज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये हमारी एबिलिटी होती है. किस चीज की? कि हम लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज को किसी पर्टिकुलर सर्टेन गोल्स के साथ.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर इंटरप्रिटेटिंग द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. सो कौन सी डेवलपमेंट है ऐसी, हमारी कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, परस्पेक्चुअल या फिर सोशल? करेक्ट ऑप्शन है सोशल, सॉरी करेक्ट ऑप्शन है परस्पेक्चुअल. मैं आपको बताती हूँ, सेंसेस के द्वारा परस्पेक्चुअल कैसी डेवलपमेंट होती है, पांच सेंसेस के द्वारा हमारी काम करती है. और सेंस कौन सी होती है हमारी, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना और स्मेल लेना. ये पांच सेंसेस हमारी परस्पेक्चुअल, मतलब जो आपकी सेंस के साथ काम करती है. तो हमारी सेंसेस की डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है एक फाउंडेशन, एक नींव, ताकि बाकी बाहर दुनिया में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हम उसको इंटरप्रिटेट कर सके, उन इवेंट्स को समझ सके, उन इवेंट्स के साथ तालमेल बिठा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू वन नॉलेज कंसर्निंग वन ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू देम. इसका क्या मतलब है, ये दोबारा से हमने इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, है ना. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, फ्लूइड इंटेलिजेंसी, मेटा कॉग्निशन और मेटा रीजनिंग, इसमें हमने सारी इंटेलिजेंसी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. तो यहां भी इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन कर लिया हमें कि आपकी कौन सी ऐसी इंटेलिजेंसी होगी. तो मैंने आपको बताई थी ना, मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या चीज थी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग क्या कहती है, कि किसी एक की नॉलेज कंसर्न करती है उसी की कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ, कर रहे हैं ना, कि थिंक कर रहे हैं वो अपनी थिंकिंग के बारे में, कि किसी एक की जो नॉलेज है वो अपनी ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ रिलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सक्सेस. सक्सेस के लिए मेन इंपॉर्टेंट हमारी कौन सी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए. सो यहां पर भी हम सारी इंटेलिजेंसी के बारे में बात करेंगे, इमोशनल, एग्जिस्टेंशियल, जर्नल या स्पैचियल. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है. इमोशनल इंटेलिजेंसी को हम इमोशनल कोट भी बोलते हैं, दैट इज EQ. ये क्या इमोशनल जो हमारी इंटेलिजेंसी होती है, क्या एबिलिटी होती है, कि हमारी हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, हम क्या इस्तेमाल यूज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को एक पॉजिटिव तरीके से, ताकि हम कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिव वे में. देन आती है हमारी एक्सटेंशियल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है, ये कैसी हमारी एबिलिटी होती है, जो हमारी इंट्यूशन वाली एक 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 एग्जिस्ट कर रही है ना, एग्जिस्टेंशियल होगी, एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब इंट्यूशनल एबिलिटी होगी हमारी थॉट्स की, या फिर हमारी थिंकिंग ऑफ थिंकिंग क्या होता है हमारा, मेटा कॉग्निशन की हमारी, ये वाली इंटेलिजेंसी होती है. एंड अगर मैं जर्नल इंटेलिजेंसी की बात करती हूँ, तो ये हमारा, इसको हम जी फैक्टर भी बोलते हैं, कि हमारी मेंटली हमारी कैपेसिटी, हमारी कितना हम अपने किसी भी काम को, एबिलिटी को मेजर कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं. एंड लास्ट इज आर सेप्चुअल इंटेलिजेंसी. ये जो हमारी इंटेलिजेंसी है, ये हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी बोलते हैं, जिसके अंदर हम सेप्चुअल जजमेंट और एबिलिटी देखते हैं, जो भी हमारा माइंड और आइज हमारा देखती है, विजुअलाइज करती है, जैसे कोई भी 3D इमेजेस हो गई या शेप्स हो गई. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो, कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इंटेलिजेंसी सक्सेस के लिए, दैट इज आर इमोशनल. हमारी इमोशनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंसी से हम क्या क्या कर सकते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंसी मैंने आपको बताया था, उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीका बना सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का. इसलिए हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक इज द कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज दैट इज प्रैग्मेटिक एक कंपोनेंट है लैंग्वेज का, जो कंसर्न करता है किसके साथ, प्रैग्मेटिक किस चीज के साथ होता है. कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स विच ईच अदर कैन अंडरस्टैंड, द रूल गवर्निंग द यूज ऑफ लैंग्वेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अदर्स इन एनी सोशल कॉन्टेक्स्ट, द रूल्स और सिंटैक्स बाय विच वर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड वर्ड्स कॉम्बिनेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, मेन कॉम्पोनेंट किस चीज के लिए होता है, कि ये रूल गवर्न कर रहा है कि किस तरह से हमें लैंग्वेज को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आइडेंटिकल करते हैं ट्विंस, व्हेन आइडेंटिकल ट्विंस शो मोर रिजेम्बलेंस, जब दो आइडेंटिकल ट्विंस बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेल, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो हम कैसी अपीयरेंस उसको बोलते हैं, किस चीज से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या, बाहर के फैक्टर, ट्विंस आपने देखे होंगे ना दो जुड़वा, है ना, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर या नन ऑफ दिस, सो ये हम सब जानते हैं दैट इज जेनेटिक फैक्टर, जीन्स की वजह से वो इतना ज्यादा आपस में रिजेम्बल करते हैं, जीन्स की वजह से वो इसलिए ज्यादा एक दूसरे जैसा दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट के बर्थ पे बेस्ट पॉसिबल स्कोर इन एपगार APGAR स्केल इज, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो कईयों के दिमाग में यही आएगा, ये APGAR स्केल है क्या, तो आप लिख लीजिए दैट इज अपियरेंस पल्स ग्रीमेंस एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अपियरेंस पल्स ग्रीमेंस एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। अब कौन सा स्केल होता है, दैट इज आर 10। 10 कैसे होता है, 10 हमारा होता है गुड टू एक्सीलेंट, 0 से 3 होता है कंसर्निंग नेचर का, 4 to 6 होता है मॉडरेट एबनॉर्मल का, और 7 to 10 होता है हमारा री एश्योरिंग का। सो बेस्ट पॉसिबल स्कोर क्या है हमारा, 10। कंसेप्शन ऑफ एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स वन फिजिकल अपियरेंस इज नोन एज, किसी की भी फिजिकल अपियरेंस के ऊपर जो भी कंसेप्शन है या एटीट्यूड है किसी भी की भी फिजिकल अपियरेंस के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी इमेज, बॉडी बिल्ड, सेल्फ स्टीम या सेल्फ कंसेप्ट, दैट इज बॉडी इमेज। क्योंकि आप उसको अपियरेंस देख रहे हैं, उसकी फिजिकल अपियरेंस देख रहे हैं, उसकी कंसेप्चुअल वे उसको नहीं देख रहे हम, उसकी फिजिकल अपियरेंस को, जब किसी को भी बाहर से आप देखेंगे तो वो उसकी बॉडी इमेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हमारी ईगो रेजिलेंस, इंटरपर्सनल रेजिलेंस, सोशल रेजिलेंस या सुपर ईगो रेजिलेंस, दैट इज ईगो कंट्रोल, ईगो रेजिलेंस। ईगो कंट्रोल मतलब क्या होता है, कंट्रोल। अब कोई भी चीज एडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल, अब मैं फ्लेक्सिबल या फिर मैं एडेप्टेबल, मतलब किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेना, कब होंगी, जब मेरे अंदर ईगो कंट्रोल होगा, मतलब मैं अपनी एग्रेशन को और अपने एंगर को कंट्रोल कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट एंड पर्सनैलिटी आर यूनिफाइंग कंसेप्ट्स बिकॉज, जो हमारा एडजस्ट करना या पर्सनैलिटी हमारे एक यूनिफाइंग कंसेप्ट है, बिकॉज दे इंक्लूड द वेरियस सबऑर्डिनेट प्रोसेस, क्योंकि वो बाकी कौन से हमारे सबऑर्डिनेट प्रोसेस को करते हैं, कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन या ऑल ऑफ द अबव, ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर हमारा इंटेलेक्चुअल हो गया, मतलब हमारा मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया और मोटिवेशनल, सारे एस्पेक्ट्स सही तरीके से रहेंगे तभी तो मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, तभी तो मैं अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंक्लूड कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 इज, मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड इन, मोरालिटी कैसे कंट्रोल्ड होती है, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, प्री कंसेप्शनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल या फिर बोथ, हमारा पोस्ट एंड प्री कन्वेंशनल लेवल। तो सबसे पहली बात आपको कन्वेंशनल लेवल सुनते ही क्या आनी चाहिए, कि ये किसने दिया था हमारा, ये कोलबर्ग्स मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट है हमारी, इसने क्या दिया था, 3 लेवल्स थे इसके, 3 लेवल्स कौन से यहाँ दे रखे हैं, कन्वेंशनल, पोस्ट एंड प्री, और 3 लेवल्स के अंदर स्टेजेस कितनी थी, 6 स्टेजेस थी। तो मोरालिटी एक्सटर्नल कंट्रोल कौन कौन से लेवल पे होती है हमारी, 2 लेवल पे होती है, दैट इज बोथ बी एंड सी। देखते हैं कैसे, सबसे हमारा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है, हम ओबीडियंट और पनिशमेंट आता है, और सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन आता है जो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल कंट्रोल के होता है। देन कन्वेंशनल आता है जिसमें हम इंटरपर्सनल अकॉर्ड्स और कन्फॉर्मिटी करते हैं या अथॉरिटी या सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं, तो वो नहीं आएगा हमारा। एंड लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल, में भी कंप्लीट सोशल कंट्रैक्शन होती है और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिस के ऊपर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो मोरालिटी के अंदर हमारे प्री और पोस्ट जो है वो हमारे एक्सटर्नल कंट्रोल करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 30th क्वेश्चन, रिमूविंग एन एग फ्रॉम अ वुमेन, वुमेन के अंदर से, वुमेन फर्टिलाइजेशन में हम रिमूव कर देते हैं एग को आउटसाइड हर बॉडी, उसकी बॉडी के बाहर, और इम्प्लांट करते हैं उसके यूट्रस के अंदर, मतलब बाहर ले आके उसको इम्प्लांट करते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं, और उसके बाद उसको दोबारा से उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस के अंदर, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर सैरोगेट मदरहुड।
सो करेक्ट ऑप्शन दैट इज आर IVF, दैट इज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन. अभी आपने अक्षय कुमार और करीना कपूर की मूवी देखी होगी गुड न्यूज, उसके अंदर IVF ही हुआ था, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंट्रिसिस, अल्ट्रासाउंड और फैटोस्कोपी ये किस चीज के हैं? हमारे एग्जाम्पल है फीटल मॉनिटरिंग के, प्रोसेस है डिटरमाइनिंग की सेक्स क्या है फोर्टिस का, या रिकमेंड करते हैं मदर एट रिस्क फॉर, मतलब उन लोगों को ये कराना जरूरी होता है जो प्री मैच्योर बर्थ करती हैं लेडीज, या फिर ये डायग्नोस है हमारा RH डिजीज फोर्टिस. अभी हमने RH के बारे में बात भी की थी. सो ये हमारे क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं फीटल मॉनिटरिंग के, ये नॉर्मली होते ही होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंडीशन इन विच द नियोनेट ब्रेन रिसीव एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ इज टर्म एज, मतलब इनएडिक्वेट मतलब कम अमाउंट में नियोनेट के ब्रेन ऑक्सीजन को रिसीव करता है लेबर और बर्थ के टाइम, उसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया, एपनिया, हाइपलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या सिड्स? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज एनोक्सिया. एनोक्सिया का मतलब क्या होता है? जब एक्सट्रीम फॉर्म, सबसे पहली बात तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब इसमें हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो कम अमाउंट की होती है, और ये एक्सट्रीम फॉर्म है हाइपोक्सिया का. और एपनिया क्या होता है? एपनिया इज दिस बी ऑप्शन, जब सीजेशन होती है हमारी ब्रीथिंग के अंदर. और हाइपलाइन मेम्ब्रेन डिजीज कौन सी होती है हमारी? एक और चीज जो आपकी एपनिक्सिया होती है बेसिकली, है ना, उसके अंदर क्या चीज होती है कि मूवमेंट नहीं होती. जैसे हम सांस लेते हैं तो एक मूवमेंट होती है ना लंग्स के अंदर और हमारी बॉडी मसल्स के अंदर, तो इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती मसल्स के अंदर जब हम इनहेल करते हैं, और जो लंग्स का हमारा वॉल्यूम होता है वो भी चेंज नहीं होता, वरना लंग्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इसके अंदर एपनिया के अंदर नहीं होता. नेक्स्ट हम बात करेंगे हायलाइन मेम्ब्रेन डिजीज की, इसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, RDS लिख लीजिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दैट इज RDS. ये किस वजह से होती है? ये डिफिशियंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको हम सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं, उनकी डिफिशियंसी की वजह से होता है. और लास्ट इज सीड्स की डेफिनेशन जरूर लिख लीजिए आप लोग, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मतलब सडनली इन्फेंट की डेथ हो जाती है. इन्फेंट है तो इसका मतलब बेबी जब यंग होता है 1 साल से. ओके, एट बर्थ द लेंथ ऑफ अ बेबीज हैड इक्वल अबाउट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज और हर टोटल बॉडी लेंथ, दैट इज 1/2, 1/3, 1/4 या फिर 1/6. सो जब बच्चा का बर्थ होता है तो उसका जो हेड होता है वो 1/4 होता है उसकी टोटल बॉडी लेंथ से. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेड ऑफ 5 ईयर्स, अभी हमने ऑन बर्थ देखा था, अब हम देख रहे हैं कि 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो प्रोपोर्शन क्या रहता है उसके हेड का, 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6, दैट इज 1/6 होता है उसका, उसकी हाइट के कंपैरेटिव. एन इन्फेंट हु स्क्वाट्स अराउंड वाइल सिटिंग बाय पुशिंग और पुलिंग विद फीट्स एंड लेग्स इज सेड टू बी, एक बच्चा क्या कर रहा है, बैठा है और अपने आप को पुश और पुल कर रहा है अपने फीट और लेग से, इस काम को क्या बोलते हैं? बॉटमिंग आउट, क्रीपिंग, हिचिंग इन अ टर्शरी सर्कुलेशन मोड. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? दैट इज हिचिंग. हिचिंग प्रोसेस को हम ये बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंचुअल एडल्ट हाइट ऑफ अ बॉय चाइल्ड कैन बी एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग हिज हाइट एट एज 2 ईयर्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसकी एज को? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. जब भी हमें एडल्ट हाइट निकालनी होती है किसी भी बॉय चाइल्ड की, तो हम उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं? हम उसकी हाइट को और उसकी एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. द फर्स्ट वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एन इन्फेंट, सबसे पहला वॉलेंट्री मूवमेंट इन्फेंट का क्या होता है? इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है. वॉलेंट्री मूवमेंट होता है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स थ्रू एक्शंस, कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने दिमाग में, हमारे जो माइंड के अंदर थॉट्स हैं उनको अपने एक्शन के साथ. सो वो क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं, रोलिंग ओवर करते हैं, सिटिंग अप अनअसिस्टेड. सो वो रोलिंग ओवर करते हैं, मतलब माइंड के अंदर उनका जो चल रहा होता है वो अपनी पूरी होल बॉडी, होल बॉडी को तो हम रोलिंग ओवर के अंदर यूज करते हैं. अ बेबीज फर्स्ट वर्ड इज यूजुअली, बच्चे का पहला वर्ड क्या होता है बेसिकली? एंड इमिटेशन ऑफ एडल्ट स्पीच. इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल. क्या एक बड़े बड़े इंसान की नकल करता है वो? 1 सिलेब
या फिर स्पोकन एट अबाउट 18 मंथ्स ऑफ एज में वो बोलता है, या फिर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करता है, नकल करता है, वो इमिटेशन करता है एडल्ट की स्पीच की, तभी तो होता है ना, उसको बोलते रहते हैं माँ बोलो या बाबा बोलो या पापा बोलो, तो वो वही चीज़ बोलता है। नेक्स्ट, बाय एज ऑफ टू, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो चाइल्ड स्पोकन लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में चाइल्ड बोलता है, कॉन्टिन्यू ग्रुपिंग ऑफ वन और मोर वर्ड्स विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट सेंटेंस, कि वो एक या दो वर्ड से पूरा सेंटेंस बना देता है, वो सेंटेंस नहीं, वो सेंस नहीं बना पाता वर्ड्स की, वो 15 वर्ड्स बोलता है, या फिर वो लिटिल अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से सेंटेंस को एक साथ रखा जाए। सो करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज वो एक या दो वर्ड से ही पूरा सेंटेंस बना के हमें बात समझा देता है। एन इन्फेंट हु इज लर्निंग टू असर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एक इन्फेंट जो ये समझता है, जो ये सीखता है, जो लर्न करता है कि किस तरह से खुद को असर्ट करना है, एंड जो अवेयर भी होता है अपनी अपनी ओन सेल्फ की सेंसेस के साथ, उसको हम क्या डेवलप करने के लिए बोलते हैं, ऑटोनॉमी, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट, या फिर ट्रस्ट, दैट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, कि पर्सन की खुद की एबिलिटी होती है कि वो अपनी वैल्यूज, अपने इंटरेस्ट को खुद उजागर करता है, खुद बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रंस आर एट रिस्क ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इफ दे डू नॉट, बच्चों के अंदर इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर वो ऐसा नहीं करते। कैसा नहीं करते, डेवलप अटैचमेंट फीलिंग फॉर द प्राइमरी केयर गिवर, कि जो उनको केयर कर रही है, मीन्स केयर गिवर कौन सी होती है, प्राइमरी, उनकी मदर, तो अगर वो डेवलप नहीं कर पाते एक अटैचमेंट की फीलिंग, या फिर वो एस्टेब्लिश करते हैं स्टेबल ईटिंग स्लीपिंग और एलिमिनेशन रूटीन को, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लर्न टू ओवरकम स्ट्रेंजर एंजाइटी, तो अगर वो स्ट्रेंजर एंजाइटी को समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं कि उससे ओवरकम कैसे होना है, ओवरकम मतलब कि कोई स्ट्रेंजर आया तो वो डरे ना, उसको वो नॉर्मल रखे, और रोल ओवर, क्रॉल, क्रीप एंड वॉक इन करेक्ट सीक्वेंस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि अगर चाइल्ड इमोशनली और साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर वो अटैच नहीं हो पाएगा अपनी मदर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिनरी एक्शन वुड प्रमोट अ चाइल्ड्स लो सेल्फ स्टीम, कौन सा ऐसा एक्शन है जो बच्चे की स्टीम को लो कर देता है, सेल्फ स्टीम को लो कर देता है, सेपरेटिंग हिम फ्रॉम अदर्स, मेकिंग हिम गिल्ट एंड अनलव्ड, सिटिंग हिम इन द कॉर्नर फॉर टाइम आउट, या डिनाइंग प्रिविलेज। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज अगर बच्चा एक कॉर्नर के अंदर काफी समय तक बैठा रहता है खुद ही, वो तो वो क्या करता है, उसकी सेल्फ स्टीम लो होती रहती है, वो अपनी सेल्फ स्टीम को खुद ही लो कर रहा है। अगर वो पब्लिक में बैठेगा, सबके साथ बैठेगा, सबके बीच बैठेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, लेकिन अगर वो एक अलग से कॉर्नर पर बैठ जाएगा तो उसकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ हाई क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज आर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हाई क्वालिटी डे केयर के अंदर कौन सी फैसिलिटीज देते हैं, वो लो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर एडल्ट केयर गिवर, मतलब कि अगर केयर गिवर हमारी एक है तो मान लो 5 बच्चे उसको दे रखे हैं, या क्लीनलीनेस और फ्रेश एयर, या फिर कंसिस्टेंट और नर्चरेंट केयर गिवर, मतलब अच्छा कंसिस्टेंट है, वो सही तरीके से सब देख रहे हैं, या एन ऑफ स्पेस पर चिल्ड्रन, सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा कंसिस्टेंट और नर्चरेंट केयर गिवर, कि केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर कौन होती है, मदर, और उसके बाद फिर डे केयर, अगर डे केयर वाली भी जो है वो प्रॉपर ध्यान दे रही है बच्चों के ऊपर, उनको प्रॉपर नर्चर कर रही है, उनको प्रॉपर केयर कर रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तभी आपके डे केयर, जो डे केयर की फैसिलिटीज लोग देते हैं, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इन द असोशियल स्टेज ऑफ अटैचमेंट इज, असोशियल स्टेज ऑफ अटैचमेंट के अंदर चाइल्ड कैसा हो जाता है, एनेक्सियस अबाउट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स के प्रति बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है, एट रिस्क फॉर अब्यूज, अब्यूज के रिस्क में रहता है, अंडर 6 वीक ऑफ एज के अंडर वो असोशल स्टेज में होता है, या फिर अनविलिंग टू इंटरेक्ट विद एनीवन, या फिर वो किसी के साथ भी बात नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन है अंडर 6 वीक ऑफ एज, क्योंकि इन्होंने क्या चीज़ पूछी है, असोशल स्टेज कौन सी होती है, तो 6 वीक्स का जब बच्चा होता है, 6 वीक्स का मतलब क्या हो गया,
आपका वही 40 डेज का जब बच्चा होता है तो वो कहाँ रहता है, वो असोशल स्टेज ऑफ अटैचमेंट पे होता है, वो अभी अपने सिर्फ केयर गिवर के साथ ही केयर गिवर को ही वो समझ रहा होता है। तो ऐसा बच्चा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और एक बॉन्ड बनाता है अपने केयरर्स के लिए, मेनली अपनी प्राइमरी अपनी मदर के लिए और बाकी जो आसपास घर के अंदर लोग होते हैं। और दूसरी चीज, बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को इस टाइम पे सिमिलर मानता है, उसके पास कोई डिफरेंस नहीं होता कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आर द क्वालिटीज ऑफ, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट किस चीज की क्वालिटीज है हमारी। एरिक्सन फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट की, रिस्क एंड रेजिलेंस की, सेपरेशन एंजाइटी की या स्ट्रेंजर एंजाइटी की। सो वी नो कि हमारी एरिक्सन फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट की पहली स्टेज है, 8 टोटल स्टेजेस होती हैं इसकी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारा कौन सा एग्जाम्पल है एक्सप्रेसिव मूवमेंट का, एक्सप्रेस करने के मूवमेंट का। डांसिंग, ड्रॉइंग पिक्चर, हैमरिंग अ नेल, प्लेइंग द पियानो। वी नो डांसिंग डांस से ज्यादा एक्सप्रेस हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट, इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट का क्या हमारा एग्जाम्पल है। एक्शन आउट अ सीन, डांसिंग, पुटिंग टुगेदर अ पजल और स्कीपिंग। सो इंस्ट्रूमेंट है कोई तो क्या है, टुगेदर अ पजल, हम पुट कर रहे हैं एक साथ पजल को, दैट इज आर इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आर कल्चर टू आर चाइल्ड, बच्चे को अपना कल्चर देने को के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। एक्यूचुलरेशन, एल्ट्रुइज्म, सोशल लर्निंग या सोशलाइजेशन। सो दैट इज सोशलाइजेशन। बाकी सबके भी मतलब हम यहाँ देखते हैं। एक्कल्चरेशन का मतलब क्या होता है, जब एसिमिलेट करते हैं डिफरेंट कल्चर्स के लिए। और एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, जब हम डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना, सेल्फलेस कंसर्न दिखाते हैं किसी की भी, किसी भी और की वेलबींग के ऊपर। और सोशल लर्निंग मतलब बाहर से हम लर्न करते हैं। सो मेनली जब हम अपना कल्चर ही अपने बच्चे को सिखाते हैं उसको सोशलाइजेशन करना कहते हैं, क्योंकि उसको उसी एनवायरमेंट में हम लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव चिल्ड्रन डिस्प्ले एविडेंस ऑफ, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ का एविडेंस करते हैं, किस चीज़ को दर्शाते हैं। परसिस्टेंस, हाई एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या ऑल ऑफ द अबव को, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज उनके अंदर परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूटी भी होती है, हाई एनर्जी भी होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज सिम्बॉलिक थाट्स डेवलप, कौन सी स्टेज पर हमारे सिम्बॉलिक थाट्स डेवलप होते हैं। पहली बात तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपके माइंड में पहले स्ट्राइक कर लेना चाहिए कहाँ पर हमने ये पढ़ी है, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन या सेंसरी मोटर। ये हमारे पीजेंट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसने 4 ऑपरेशंस दिए थे। पहला कौन सा था हमारा, सेंसरी मोटर था। सबसे पहले इसका आंसर इज प्री ऑपरेशनल, पर हम सारे समझेंगे। सेंसरी मोटर हमारी बर्थ के 18 महीनों से 24 महीनों तक होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। प्री ऑपरेशनल कब होता है, 2 से 7 साल की उम्र में सिम्बोलिक जब हमारी थॉट्स जनरेट होती है। कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल की उम्र में होता है, जिसमें ऑपरेशनल थॉट्स आती हैं। और फॉर्मल ऑपरेशन हमारा एडोलेसेंस से एडल्टहुड, जिसके अंदर हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स बनने स्टार्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू बमरिड, विच चाइल्ड रियरिंग स्टाइल इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस सेल्फ रेजिलेंस, एक्सप्लोरेटरी एंड कंटेंट चिल्ड्रन। सो इन्होंने क्या बोला है कि बर्मिड के अकॉर्डिंग चाइल्ड का कौन सा रियरिंग स्टाइल होता है जो मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस करता है। सो हमें पता होना चाहिए ये सारे, पहले तो हमारे कौन से हैं, ये सारे हमारे पेरेंटिंग्स हैं, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या चीज होता है, जिसमें हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाई डिमांड होती है। अथॉरिटेरियन में डिसिप्लिन को बहुत महत्व दिया जाता है। और परमिसिव, और ये जिसको हम इंडलजेंट भी बोलते हैं, इसके अंदर ये होता है कि करो जो तुमने करना है वो कर लो, और लिमिटेड गाइडेंस होती है। और रिजल्ट का मतलब वो टस से मस नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। 52 क्वेश्चन इज, पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्ट रिजेक्शन थ्योरी वॉज गिवन बाय, किसने दी थी पेरेंटल एक्सेप्शन रिजेक्शन थ्योरी, जिसको पर थ्योरी भी बोलते हैं। ये बेस्ड थी किस चीज पे बेस्ड थी, पहली बात तो हमारी सोशलाइजेशन पे, लाइफ स्पेस डेवलपमेंट के ऊपर। और क्या एक्सेप्ट किया था इन्होंने, किसकी, मेजर कॉज, उनके कॉन्सिक्वेंसेज और इंटरपर्सनल जो भी कोरिलेट्स है वो आपस में किस तरह से इन्वॉल्व है, ये दी किसने थी, हमारी रोहनर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेरेंट्स हु मेक फ्यू और नो डिमांड, ऐसे पेरेंट्स जो थोड़ी, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, जो फ्यू थोड़ी ही डिमांड करते हैं, या तो ना के बराबर डिमांड करते हैं, और परमिट करते हैं कि उसका बच्चा रेडी है, वो कुछ मर्जी करे. सो ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, रिजिड या अनइन्वॉल्व. द करेक्ट ऑप्शन इज परमिसिव, जिसको हम इंडल्ज बोलते हैं, दैट डू व्हाट डू यू वांट, और लिमिटेड ही उनको गाइड करते हैं, ज़्यादा उनको गाइड नहीं करते और उनको छोड़ देते हैं कि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ एस्टीम हैज बीन स्टडीड बाय, सेल्फ एस्टीम की भी थ्योरी है. कैसी होती है सेल्फ एस्टीम की थ्योरी? हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, हम खुद के बारे में कैसा सोचते हैं. किसने दी थी? कूपर स्मिथ ने दी थी ये, कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट चेंज ऑफ प्लेस एंड द पैसेज ऑफ टाइम मेक नो चेंज इन द मास और वॉल्यूम. ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन. सोचिए कौन सा था, कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि प्लेस और टाइम तो बदल जाए लेकिन मास और वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज ना हो. तो क्या होता है, कंजर्वेशन, इकोसेंट्रिज्म, रिवर्सिबिलिटी या नन ऑफ दिस? दैट इज कंजर्वेशन के अंदर होता है ये. When children define a word too narrowly, it is referred to as, जब बच्चा किसी भी वर्ड को बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटे वे में प्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर रेगुलराइजेशन, ओवर एक्सटेंशन, फिनोम्स या फिर अंडर एक्सटेंशन. सो इट इज नोन एज अंडर एक्सटेंशन, क्योंकि चाइल्ड क्या करता है, एक वर्ड किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में करता है और उसको फेल कर जाता है एक्सटेंड टू अदर ऑब्जेक्ट्स, बाकी ऑब्जेक्ट्स को समझ नहीं पाता. जैसे अगर वो एक पैट को कैट बोलता है, तो वो बाकी सारे पैट्स को भी कैट बोलता है. क्लियर? सो दैट इज अंडर एक्सटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट बिलीव दैट अ चाइल्ड डेवलप देयर मेंटल सॉफ्टवेयर बिकम मोर. तो इसका क्या मतलब हो गया, कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी है, थ्योरिस्ट है, जो बिलीव करता है कि चिल्ड्रन डेवलप करते हैं उनके मेंटल सॉफ्टवेयर को, कब ज्यादा अच्छे से होता है, कॉम्प्लेक्स, एफिशियंस, पावरफुल या ऑल ऑफ दिस? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, कि वो कॉम्प्लेक्स भी हो, एफिशियंस भी हो और पावर भी हो उनमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, दैट इज विगोट्सी प्रोवाइड्स, क्या दिया था? सबसे पहली बात तो यहां पर हमारी ये आ जाती है, उन्होंने क्या दी थी, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इक्वल फोकस दिया था किस चीज पे, स्किल्स की डेवलपमेंट पे. तो अब देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई, स्किल डेवलपमेंट पे दिया था. अब आप सोच लीजिए, स्किल डेवलपमेंट किससे करती है? ऑप्शंस पढ़ेंगे अब हम. कंप्लीट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंस दी थी उन्होंने. नो, अ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन थिंकिंग बेस्ड ऑन मेंटल हार्डवेयर और मेंटल सॉफ्टवेयर के में नहीं बोला था. अ व्यू ऑफ डेवलपमेंट एज एंड अप्रेंटरशिप, अप्रेंटरशिप किस चीज पे होती है हमारी, स्किल डेवलपमेंट पे. तो इक्वल फोकस दिया था इन लोगों ने किस चीज पे, स्किल डेवलपमेंट पे. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. द ग्रोथ दैट इज मोर इफेक्टेड बाय, जो ग्रोथ है हमारी ज्यादा इफेक्ट करती है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, दैट इज रिस्ट्रिक्शन, IUGR. IUGR क्या है, कि जब जब आपका जो बेबी है आपके वॉर्म में है, आपके फीटस के अंदर है और वो ग्रो नहीं हो पाता, तो हाइट, मेंटल स्किल, मोटर स्किल्स या वेट, तो वो वेट हम ऑलरेडी भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, 10% तक वेट कम हो जाता है. लेस देन ये सोच सकते हैं कि जितने भी उस एज के बच्चे होते हैं, लेस देन 90% उस बेबी का वेट होता है. नेक्स्ट एक 60th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉजियल स्टेटमेंट. अब आपने देखा ना, कहते हैं कैजुअलिटी हो गई, है ना, कैजुअलिटी हो गई का मतलब क्या होता है, कि सिस्टम के अंदर मेजर सोर्स जो है किसी, वो एरर है किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, मेजर सोर्स का एरर है, कहते हैं ना कैजुअलिटी. आपने मूवीज या टीवीज में सुना होगा, जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कि यार ये कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई है, अब आ जाओ, या डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर एक कैजुअलिटी ऑलरेडी उस वार्ड में है. तो क्या एग्जाम्पल होगा हमारा कैजुअल स्टेटमेंट का, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट इन कोकरिकुलर एक्टिविटी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यूरिंग अर्ली अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रंस में
टॉक आउट लाउड विदाउट रियलाइजिंग इट कि बच्चे बहुत तेज तेज बात कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि वो तेज बात कर रहे हैं, या इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड डिजीज डिक्रीज एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर, या फिर कोई एक बच्चा बीमार था बचपन में लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसकी डिजीज कम होती गई, या फिर जब एक प्रेगनेंट वुमेन कंट्रैक्ट करती है रूबेला इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब पहले ट्राइमेस्टर के अंदर वो रुबेला हो जाता है उसको और वो बर्थ देती है एक डेफ और ब्लाइंड बेबी का. सो दिस इज कैजुअलिटी. मैंने आपको समझाया ना एग्जाम्पल देके कि कोई कैजुअलिटी हो गई, तो ये एक मेन कैजुअल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंटल फीटस फ्रॉम बर्थ टू 8 to 12 month को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट, पियर, टीन या टॉडलर. वी नो इट इन्फेंसी. अरेंज करना है हमें स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में. सो प्रीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड. वी नो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. प्रीनेटल आता है, फिर नियोनेटल आता है, फिर इन्फेंसी आता है, एंड देन लास्ट इज आर टॉडलरहुड. देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डेवलपमेंट जो है वो किस चीज का प्रोडक्ट है हमारा, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, लर्निंग और मैच्योरेशन का, लर्निंग और ट्रेनिंग क्या है, फिर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन का. करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट टू हमारे, दैट इज हेरिडिटी. मतलब जो उसके अंदर जीन्स हैं, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट होगी, लर्निंग और उसकी मैच्योरिटी के एक्सपीरियंसिस के कारण उसकी लर्निंग होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज परस्पेक्चुअल एबिलिटी रेफर्स टू, परस्पेक्चुअल एबिलिटी, सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए परस्पेक्चुअल एबिलिटी का. तो कौन सी एबिलिटी होती है कि हम एबल है कि किसी भी काम को हम डील, मतलब किसी भी हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी है कि हम किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, किससे, मीनिंग ऑफ अपने सेंसरी स्टिमुलाई से. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर डिटेक्शन, डिटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, चेंज करते हैं सेंसरी स्टिमुलाई से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉक्सिमोस डिस्टल सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इंडिकेट दैट डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होती है, ग्रोथ का जो सीक्वेंस प्रोसेस होता है वो सेंट्रल से पेरिफ्रल जाता है हमारा, मतलब ट्रंक से आर्म्स पे, फिर फिंगर्स पे, जैसे आपके लेग से टो, पहले लेग्स डेवलप हुए, फिर आपके उसकी ग्रोथ हुई, फिर आपके टोज की ग्रोथ हुई, है ना, इसी तरह से ये जर्नल टू पेरिफ्रल आएगा इसका आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स ऑफ द बेबी को हम कब डिटरमाइन कर सकते हैं, कंसेप्शन पे, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फोइटस या पीरियड ऑफ ओवम, दैट इज पीरियड ऑफ फोइटस. जो हमारा लास्ट होता है हमारा पीरियड, दैट इज पीरियड ऑफ फोइटस पे हम इसको देख सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बॉय है. अकॉर्डिंग टू डैश देयर इज अ कंटिन्यूम ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेल्स. तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि पहली बात तो पर्सनैलिटी ट्रेल्स मैं आपको बताऊंगी किसने दी थी. ऑप्शंस है गॉर्डोंट, एल्पोर्ट, रेमंड कैटल, सिगमंड फ्रूड या एना फ्रूड ने. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा रेमंड कैटल. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पर्सनैलिटी ट्रेट पे. 5 पर्सनैलिटी ट्रेल्स इन्होंने दी थी यहाँ पर, ठीक है. और कंटेनम का मतलब क्या चीज होती है हमारी, कि कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस होता है अलग अलग एडजेसेंट एलिमेंट्स का जो आपस में पर्सपेक्टिवली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर काम को, पर्टिकुलर यू नो पर्टिकुलर वर्क को वो क्लियरली कॉन्टिन्यू वे में सीक्वेंशियल ऑर्डर में कंप्लीट कर जाते हैं. सो ये रेमंड कैटल ने दी थी. इनकी जो 5 पर्सनैलिटी ट्रेल्स थी वो थी एक्स्ट्रावर्जन, एग्रा, ब्लेमेंस, ओपननेस, कंसीटिव, दैट इज वन मोर इज न्यूट्रोरिज्म एंड कॉन्शियसनेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिग डैश आर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड ही है. कितनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताई हैं, 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताई हैं हमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट डैश डेवलप वन ऑफ द बेस्ट नॉन थ्योरिस्ट ऑफ न्यूरोसिस. न्यूरोसिस हमारी थ्योरी ऑफ न्यूरोसिस किसको बोलते हैं हम, साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट ने दी थी, जिसका नाम था केन हॉर्नी. उसने क्या बिलीव, शी बिलीव, उनका क्या बिलीव था कि जो न्यूरोसिस है वो रिजल्ट करते हैं बेसिक एंजाइटी कॉज्ड बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप.
कि आपस में जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं उससे बेसिक एंजाइटी निकल के आती है, बेसिक एंजाइटी कॉज होती है, दैट इज हमारे साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट थी ये। अ डैश इज अ परसिस्टेंट फोकस ऑन एन अर्ली साइको सेक्शुअल स्टेज। क्या चीज है हमारी लिबिडो, रिग्रेशन, फिक्सेशन या सबलिमेशन, दैट इज फिक्सेशन। क्योंकि फिक्सेशन क्या है, अकर करता है जब कोई भी इशू, कोई भी कंफ्लिक्ट हमारा साइको सेक्शुअल स्टेज रिमेन अनरिजॉल्व, जब वो रिजॉल्व नहीं होता। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। अब देखिए रियलिटी प्रिंसिपल, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये ऑल ऑफ दीज तो हमारा किसने दी थी, पहली बात तो ये फ्रूडियन साइकोलॉजिकल और साइको एनालिटिकल ने दी थी। रियलिटी प्रिंसिपल क्या एबिलिटी होती है, ये ऐसी एबिलिटी होती है हमारे माइंड की जो क्या असेस करती है कि रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड टू एक्ट अकॉर्ड, मतलब ईगो होगी हमारी कि बाहर का रियलिटी, हमारे बाहर के वर्ल्ड की, एक्सटर्नल वर्ल्ड की किस तरह से, किस अकॉर्डिंगली वो काम कर रही है। वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ एरिक्सन साइको सोशियल स्टेज थ्योरी इज द डेवलपमेंट ऑफ, एक मेन इंपॉर्टेंट हमारी साइको सोशियल स्टेज थ्योरी कौन सी होगी, ईगो आइडियल, ईगो स्ट्रेंथ, ईगो क्वालिटी या फिर ईगो आइडेंटिटी, दैट इज ईगो आइडेंटिटी। ये एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, क्या प्रोवाइड करती है कि इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसकी एक्सपीरियंस से कि कौन है वो, हु दे आर, और किस तरह से वो अपनी सेंसेस के साथ एक्ट करेंगे एक कॉन्टिन्यूटी और सेम मैनर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एस आर थ्योरी, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी आर सेंट्रल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ, किस चीज़ पे बेस करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक्सपीरियंस, कंडीशनिंग या परस्पेक्शन पे। तो ये हमारा कंडीशनिंग के ऊपर करता है, ये बेस करता है एजप्शन के ऊपर कि ह्यूमन बिहेवियर जो है कितना लर्न किया है, कितना उसने लर्न किया है, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्ड थ्योरी आर सेंट्रल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिनोमिना इन विच अ बिहेवियर दैट हैज बीन प्रीवियसली रेनफोर्स्ड नो लॉन्गर रिजल्ट इन द रेनफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड इट्स अकरेंस स्टॉप इन द फ्यूचर। सो स्टॉप अकरेंस ऑल टुगेदर किस तरह से होता है हमारा, फ्रीजिंग, रेजुरेजेंस, इनहिबिशन एंड एक्जिक्शन। एक्जिक्शन क्या चीज होती है हमारी, आंसर है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हो गया कि बिहेवियर अकर हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, हमारे किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, दे गेट अस थिंग वी वॉन्ट, हमें जो चीज़ चाहिए वो वही हमें मिलती है। अगर हम स्टॉप कर देंगे कि हमें जो चीज़ चाहिए उसको लेने से हम मना कर देंगे, जैसे इसमें एक और हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जैसे जैसे हमें हमें किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने की आदत हो लेकिन किसी भी वजह से वो आदत छूट जाए, ठीक है। अब हमने कोई काम, मान लो हम रूटीन से 1 साल से कर रहे थे लेकिन 1 महीना हमने उस आदत को छोड़ दिया। अब उसके बाद उस आदत को जब हमने छोड़ा तो हमने इतने कोई और आदत को अपना लिया, तो अब क्या है कि जिस आदत के बिना हम 1 साल से नहीं रह रहे थे, अब हमें कोई भी अब उस आदत को यूज़ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका भी यही मतलब होता है कि अगर हम रोक देते हैं कि जो हमें चाहिए होता है और हम अंगेज हो जाते हैं किसी और बिहेवियर के साथ, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा बिहेवियर खुद से खुद स्टॉप कर देता है उस एक पर्टिकुलर अपनी पुरानी आदत के साथ काम करना, वो नई आदत के साथ काम करना शुरू कर देता है, दैट इज एक्सटिंक्शन। हु प्रपोज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल किसने दिया था, पीटर पेवलो, रॉबर्ट ए पेवलो, इवान पेवलो या मिखले पेवलोल, दैट इज इवान पेवलो। उन्होंने क्या दिया था, ये पेवलोइज्म कंडीशनिंग है, एक लर्निंग थ्योरी है जो दो स्टिमुलाइज के ऊपर वर्क करती है। और इन्होंने क्या, कहाँ से लर्न किया था कि ये एक लर्न किया था उन्होंने अपने एनिमल्स और पर्सन के रिस्पॉन्स से। अकॉर्डिंग टू जीन पीजेंट असिमिलेशन रेफर टू, असिमिलेशन किस चीज़ पे रेफर करता है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड एनवायरमेंट इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, ओल्ड स्कीम आर एडजस्ट एंड न्यू वंस क्रिएट, या चाइल्ड इक्विब्रियम या फिर प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश इक्विब्रियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। जैसे कि जब भी हम
मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने ही स्कीम के अंदर ऐड करने, अपने ही सिचुएशन के अंदर ढालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को, अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर लेते हैं अपने माइंड में. मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको जीन पीजेंट के बारे में कुछ नॉलेज थी, तो वो आपकी एग्जिस्टेंस नॉलेज थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी. अब मैंने कुछ नया बताया, तो आपने क्या किया, उस नॉलेज को वही रखे रहने दिया, उस नॉलेज के साथ ऐड कर लिया. दैट इज एसिमिलेशन. स्कीमा इज अ, स्कीमा का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइको साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्ट्रक्चर. तो स्कीमा क्या होता है हमारा, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ये एक पैटर्न होता है थॉट्स का, हमारे बिहेवियर का, क्लियर, जो एक रिलेशनशिप बनाता है इन्फॉर्मेशन की. द सेंसरी मोटर स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू डैश सब स्टेजेस. कितने में होती है हमारी सेंसरी मोटर की, जो हमारी स्टेजेस होती है, 4, 5, 6 या फिर 8, दैट इज 6. कौन कौन सी होती है, सिंपल रिफ्लेक्स, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन या फिर अर्ली सिम्बॉलिक थॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन. अभी हमने बताया ना क्या चीज है इसका मतलब, ये हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, है ना. तो प्राइमरी सर्कुलेशन जो रिएक्शन है, सब स्टेज ऑफ है ये हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. एक्सटेंड किस कौन किस टाइम से होती है, 1 से 4 महीने, 2 से 5, 3 से 6 या 4 से 7 महीने. सो ये हमारी 1 से 4 मंथ तक रहती है. दिस इज आर प्राइमरी, सबसे पहले बेसिक हमारी सर्कुलर रिएक्शन रहता है. Who conclude that genetic factors are much more important than environmental factor in introducing IQ difference. हमारा IQ difference में genetic factor ज़्यादा importance रखता है as comparative to हमारे environmental differences. So correct option है हमारा Arthur Jensen's. इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो genetic factor है वो ज़्यादा important है as comparative to environmental factor. 81 question is dash is concerned with the adaptive or survival value of a behavior and its evolutionary history. So psychological, sociological, biological, ethological, ये basically आपके you know हमारे theories के questions आते हैं इसी तरह से है कि क्या उस study को किस चीज़ से concern है, that is ethological. Ethological concern करता है कि हम किस चीज़ को adapt कर रहे हैं, survive कर रहे हैं, उसकी nature देख रहे हैं और उसको change कर रहे हैं, evolution आ रहा है history के अंदर. Who gather information on child's rearing? किसने gather की थी information child rearing पे और parents को observe किया था preschooler के? तो correct option is Diana, हमारी Diana Bomrid ने parenting style दी थी इन्होंने. Next question is behavioralism began with the work of किससे began किया था behavioralism? Clark Hull, जॉन्स लॉक, जॉन वैटसन या बी के स्किनर्स ने? सो जॉन बी वैटसन ने 1913 के अंदर स्टार्ट किया था. थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसने फॉर्मुलेट की थी? यहाँ पर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा कि उन्होंने किसने फॉर्मुलेट की थी. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज कॉनरेड लॉरेंस ने. 1935 में इन्होंने स्पीसीज ऑफ एनिमल से इस अटैचमेंट की थ्योरी को देखा था. और एनिस वॉन ने 1970 के अंदर 3 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स दिए थे, क्लियर. बाद में जॉन्स बॉवल बॉल्बे ने आप देखेंगे कि थ्योरी ऑफ अटैचमेंट भी दी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फॉर्मुलेट के लिए पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर हु कंसीव्ड दैट चिल्ड्रंस आर गिवन बींग हु conceived that children are being pulled around by force and attached to people with positive valence. किसने कंसीव किया कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसको हम फोर्सफुली पुल करते हैं और अटैच करते हैं अलग अलग places के साथ? Alfred Baldwin, Kurt Lewin, Fritz Haddard या फिर Hans Werner ने? So correct option is R, Kurt Lewins ने किया था. The suggestion of dash is accepted as valid in naive psychology. So options are, पहले naive psychology का अगर मैं मतलब देखें तो this is our naive realism, कि human की tendency होती है कि वो believe करता है कि जो भी वो देखता है, that we see, हमारे सारे के सारे around us, around world, और people जो disagree करते हैं इस information से, वो bias होते हैं, uniform होते हैं और irrationals होते हैं. So ये इसका answer है free wills. Free wills हमारा क्या है, ये हमारी ability होती है जो हम choose करते
करते हैं बिटवीन डिफरेंट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सनोलॉजी नेम वॉज गिवन टू थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय, किसने दिया था ये नेम हमारा, दिस इज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दिया था बाय हेनरी मुरे ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डैश सजेस्ट द एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन बींग ऑफ अ यूनिवर्सल कॉम्पिटेंस ऑफ फॉर द एक्वेशन ऑफ लैंग्वेज. सो थ्योरी ऑफ डैश किसने सजेस्ट की थी, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन बींग की, ह्यूमन बींग की जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिवर्सल कॉम्पिटेंसी है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की. सो ये हमारी दी थी एन चॉम्स्की ने. इन्होंने क्या कहा था कि सारी की सारी लैंग्वेज कंटेन करती है सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर रूल, जैसे हमारी इंग्लिश ग्रामर हो गई, और सिमिलर फैक्ट्स की चिल्ड्रंस एवरीवेयर एक्वायर कर सकते हैं सेम लैंग्वेज को सेम वे से बिना किसी भी एफर्ट्स के, और इंडिकेट कर सकते हैं कि हम जो है हम सबका जो दिमाग है, हम सबका जो ब्रेन है वो सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश थ्योरी व्यूज द चाइल्ड एज डेवलपिंग विद इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप. कौन सी थ्योरी थी हमारी, दैट इज इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो ब्रॉनफ्रेब्रेन ने दी थी. डैश थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन रिसर्च एंड इंटरव्यू विद ग्रुप्स ऑफ यंग चिल्ड्रन. सो कौन सी थ्योरी है हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड थी, रिसर्च और इंटरव्यू किया था ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रंस के ऊपर, सो दैट इज लॉरेंस कॉल्सबर्ग्स थ्योरी. डैश थ्योरी क्लेम दैट वी आर मेयरली प्रोडक्ट्स ऑफ आर कल्चर एंड अ सोसाइटी, अपने कल्चर और अपनी सोसाइटी के प्रोडक्ट है. किसने, कौन सी थ्योरी थी ये हमारी, सोशियो कल्चरल थ्योरी. ब्रॉनफ्रेब्रेन सजेस्ट किया था कितने लेवल्स थे उनके इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स के, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उनके, यूजफुल फ्रेमवर्क इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल एंड फैमिली प्रोसेस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड हायरार्कियल एनवायरमेंटल सिस्टम इन विच दे फंक्शन. सो कितने थे इनके, इनके पांच थे, कौन कौन सी, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्जो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम. जेन लॉरेंस प्रपोज्ड हाउ मेनी स्टेज ऑफ इको डेवलपमेंट, इको डेवलपमेंट हमारी 9 स्टेजेस थी. सबसे पहले इन्फेंसी जो हमारी प्री सोशल है, इम्पल्सिव, सेल्फ प्रोटेक्टिव, कन्फॉर्मिस्ट, सेल्फ अवेयर, कंसिस्टेंट, इंडिविजुअलिस्ट, एंटोनॉमस और इंटीग्रेटेड. टू फैक्टर थ्योरी जो है इंटेलिजेंसी की किसने डेवलप की थी, ये हमारी डेवलप की थी चार्ल्स स्पेयरमैन ने. Who is regarding as the founder of child study movement? Child study movement के former जो हमारे founder थे वो कौन थे, That is Grenville Stanley Hall. 1844 to 1924 इन्होंने attempt किया था to meet their diverse need. Next question, dash theory is a cognitive theory to explain how individual become gendering in society. Gendering को देखना, gendering को identify करना society में, कौन सी theory थी, gender social rule, gender stereotype, gender identity या gender schema, that is gender schema. The fuel that powers all mental activities an unobservable abstract construct is, ऐसा कौन सा फ्यूल था जो पावर था सारी की सारी मेंटल एक्टिविटी पे, an unobserved abstract construct था, psychoanalytical, psychic energy, psychosis या psychic determination, that is psychic energy. साइकिक एनर्जी होता क्या, ये एक हमारा ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर कुछ एक मॉडल्स जो है वो पोस्टुलेट करते हैं अनकॉन्शियस मेंटल फंक्शंस को, जो हमारे बायोलॉजिकल और कॉन्शियसनेस के बीच में होता है अनकॉन्शियस मेंटल फंक्शंस को, उसको वो उस कंसेप्ट को पोस्टुलेट करते हैं. अ रिचुअलिस्ट एफर्ट ऑफ अंडू डैमेज, डैमेज को अंडू कर देना और रिड्यूस करना गिल्ट को, है ना, जो भी हमने पास्ट में कोई भी एक्शन किए उसको क्या बोलते हैं, अनडूइंग, रिग्रेशन, रिप्रेशन या सुप्रेशन, दैट इज अनडूइंग.
सम ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द यूरिथ्रल स्टेज इज, यूरिथ्रल स्टेज पे कुछ एक कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्या क्या? वीनिंग, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, टॉयलेट ट्रेनिंग या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. वी नो टॉयलेट ट्रेनिंग इज द एग्जाम्पल. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज, विशेज रिलेटेड टू जेनिटल ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेक्स मोटिव, सेक्स इंस्टिंक्ट, सेक्स ड्राइव या फिर सेक्स हंगर. दैट इज, सेक्स इंस्टिंक्ट को हम अपनी जेनिटल ऑर्गन्स की विशेज कहते हैं. सो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. इसी अकॉर्डिंग हम आपके आने वाली वीडियोस को भी लेके आएंगे. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.